संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी शामिल होने वाले हैं। मेडिकल एसोसिएशन के कन्वेंशन सेंटर में ये खास कार्यक्रम होगा। प्रयागराज में कार्यक्रम को संबोधित राहुल गांधी करेंगे, तो ये तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। प्रयागराज में कार्यक्रम को राहुल गांधी संबोधित करने वाले हैं। संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी शामिल होंगे। प्रयागराज में कार्यक्रम को संबोधित राहुल गांधी करेंगे। संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी शामिल होने वाली हैं। तमाम तैयारियां प्रयागराज में की जा चुकी हैं। राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचेंगे और मेडिकल एसोसिएशन के कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये संविधान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन प्रयागराज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी शामिल होंगे। तमाम तैयारियां प्रयागराज में की जा चुकी हैं। मेडिकल एसोसिएशन के कन्वेंशन सेंटर में यह खास कार्यक्रम होना है। प्रयागराज में इस कार्यक्रम को राहुल गांधी संबोधित भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर, जहां संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी शामिल होने वाले हैं। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। मेडिकल एसोसिएशन के कन्वेंशन सेंटर में यह खास कार्यक्रम। आज जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, संविधान के सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रयागराज में इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो इससे लेकर के कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से तैयारियां कर रखी है। प्रयागराज में इसे लेकर के तैयारियां, विशेष तैयारियां की जा चुकी हैं। मेडिकल एसोसिएशन के कन्वेंशन सेंटर में यह खास कार्यक्रम होना है। और प्रयागराज में इस कार्यक्रम का आयोजन राहुल गांधी संबोधित करेंगे। संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी शामिल होंगे। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, आज जो प्रयागराज में ये बड़ा कार्यक्रम होना है, कांग्रेस ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। संविधान सम्मान सम्मेलन राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं, इस वक्त क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, बता दें कि प्रयागराज में एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो कांग्रेस का रखा है। हालांकि अगर बात करें तो कांग्रेस वालों ने कहा है कि ये कोई एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं किया गया है, जिसमें कहते हैं इसे राजनीतिक कार्यक्रम माना जाए। उसमें पांच चीज अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जिस तरीके से बात करते आ रहे हैं, मोहब्बत की दुकान को चलाते आ रहे हैं, जिससे उनका कहते हैं जो चुनावी अगर बात करें तो चुनाव में उनको काफी लाभ हुआ था, इसी तरह की कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सिविल डिफेंस की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राहुल गांधी प्रयागराज में आज रहेंगे और वो लोगों को संबोधित करेंगे। हालांकि कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। अगर देखा जाए पिछली अगर कोई कई चुनावों में देखा जाए, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को लगातार राहुल गांधी के संविधान बचाओ अभियान कह लिया जाए, चाहे वो संविधान के बचाने के अभियान के साथ साथ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय संविधान और मोहब्बत की दुकान, इस तरह के तमाम जो मुद्दे थे वो राहुल गांधी को काफी फायदा पहुंचाए थे। राहुल गांधी के साथ साथ जो इनके साथ जुड़ी पार्टियां थी उनको भी काफी बहुत फायदा पहुंचा था। इसको लेकर के ये बड़ा कार्यक्रम जो है वो प्रयागराज में किया जा रहा है।